तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोग का नई वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व फर्स्ट लेयर ऑफ 3x3 रूबिक्स क्यूब। तो गाइस, आज मैं बताने वाला हूँ फर्स्ट लेयर सॉल्व कैसे करें। आप लोग तो थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे हाउ टू सॉल्व फर्स्ट लेयर ऑफ 3x3 रूबिक्स क्यूब। आज हम लोग इसका फर्स्ट लेयर सॉल्व करने वाले हैं। सॉल्व करने से पहले मैं कुछ बता देता हूँ, जो क्यूब सीखना चाहता है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। गाइस, ये होता है एच पीस, जिसमें टू कलर्स होते हैं वो एच पीस होते हैं, और जिसमें थ्री कलर्स होते हैं वो कॉर्नर पीस होता है, और जिसमें एक कलर होता है वो सेंटर पीस होता है। देखिए, इसमें सिक्स सेंटर पीस होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, और ये जिसमें थ्री कलर हो वो कॉर्नर पीस होते हैं। जैसे ये कॉर्नर पीस, ये कॉर्नर पीस, ये कॉर्नर पीस, यहाँ पे बहुत सारे कॉर्नर पीस है। और जिसमें टू कलर्स होते हैं वो होते हैं एच पीस, ये एच पीस जिसमें टू कलर्स हैं, इसमें टू कलर है, ये एच पीस हो गया, ये एच पीस हो गया, जिसमें टू कलर्स है वो एच पीस हो गया, और जिसमें थ्री कलर्स है वो कॉर्नर पीस, और जिसमें फर्स्ट एक कलर है वो है सेंटर पीस, देख सकते हैं। तो गाइज, मैंने बता दिया। और मैं बताना चाहता हूँ, जो है मेरे हाथ में एक क्यूब है, ये एक मैग्नेटिक क्यूब है, क्यूब ले लो ड्रिफ्ट 3M का, और मैं इसका वीडियो डाल दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, मैंने देख लेना ज़रूर। और मैं एक शॉर्ट्स डाला हूँ, इसमें बहुत अच्छा बजट क्यूब है मैग्नेटिक, आप जरूर से ज़रूर लेना ये। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है। मैं इसे कुछ टर्निक्स दिखा देता हूँ आपको गाइस, देख सकते हैं गाइस, ये बहुत स्मूथ चलता है। मैं तो कहता हूँ आप ले सकते हैं। तो गाइस, आज सीखने वाले हम लोग फर्स्ट लेयर को, तो फर्स्ट लेयर सीखने से पहले कुछ इसको स्क्रैम्बल कर लेते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं पूरी तरह से स्क्रैम्बल हो चुका है। अब इसका फर्स्ट लेयर सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट लेयर को सॉल्व करने से पहले आपको मैं बताने वाला हूँ कि जो व्हाइट है इसको डाउन में कर लेना है। मतलब कैसे, तो व्हाइट को डाउन में करेंगे तो ऊपर कौन आएगा, येलो, तो इसको डाउन में करते थे, ये ऊपर है, इसको डाउन में कर दिया, ऊपर क्या है, येलो, आप देख सकते हो येलो आ चुका है ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लाना है, एच पीस, यहाँ पे व्हाइट, यहाँ पे ना व्हाइट व्हाइट की चालू करना है, तो पहले यहाँ पे ला लीजिए। मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ईजी ट्रिक है, आप लोग जरूर से जरूर यूज़ करना अपने क्यूब पर। तो यहाँ पे आपको पहले चार एच पीस लाने हैं व्हाइट कलर के, तो दो तो पहले ही सही हैं और दो यहाँ पे लाने हैं, एक यहाँ पे, तो इसको बस फ्लिप करना है। तो मैं बताने वाला हूँ आपको क्या करना है, आर प्राइम, आर यू एफ प्राइम, ये यहाँ पे हो चुका है। अगर आपका फ्लिप करना है आपको एक जगह पे, तब ये मैं जो मूव बताया वो करना। और अब देखते हैं एक और कहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो इसको भी करना है ऐसे, तो इसको यहाँ पे ला दिए, और ये भी आ चुका है, आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का एच पीस चारों आ चुका है। आपको कॉर्नर पीस को फुल इग्नोर करना है, कॉर्नर पीस नहीं देखना है, कॉर्नर पीस पर कोई भी कलर रहा है आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको एच पीस पर व्हाइट लाना है, येलो के टॉप में, यानी कि इसके टॉप में, मैं इसके टॉप में लाना बता रहा हूँ ट्रिक से। ये इसके ट्रिक पास आ गया है, मैं आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर से बता देता हूँ भाई, स्क्रैम्बल कर दो। देख सकते हैं, जिसको नहीं समझ में आया मैं फिर से बता दे रहा हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे टॉप पे वाइट एच पीस लाना है, तो पहले मैंने बताया था ये फ्लिप होना है, तो फ्लिप के लिए क्या करना है, आर यू एफ प्राइम आ गया, और यहाँ पे भी है, ये तो सीधे है, इसको बस एफ प्राइम करेंगे दौड़ आ गया। और एक और बताने वाला हूँ, एक यहाँ पे है, इसको तो आर करेंगे तो ये आ जाएगा आर प्राइम, और एक यहाँ पे है, तो इसको लाना है, अब इसको फ्लिप करना है, आर यू एफ प्राइम, चारों एच पीस आ चुका है। अब इसको जो सेंटर पीस है उससे इसको एच पीस को मिलाना है, तो यहाँ पे ऑरेंज, तो ऑरेंज कोई एच पीस है, ये ब्लू है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये ऑरेंज है, तो यहाँ पे मिल गया। अब इसको टू टाइम्स डाउन कर लेना है, टू टाइम्स डाउन हो गया, वाइट सेंटर पीस से मिल गया। अब यहाँ पे ब्लू लाना है, तो ब्लू वाला एच पीस कौन है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो इसको यहाँ पे लाना है, इसको टू टाइम्स डाउन कर देना है। अब देखते हैं रेड वाला एच पीस कहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसको ला दिए, अब इसको टू टाइम्स डाउन कर दिए। अब यहाँ पे देखना है ग्रीन, तो ग्रीन कहाँ पे है, ग्रीन यहाँ पे है, तो आपको ऐसे अब देख सकते हैं पूरी तरह से प्लस बन चुका है, यहाँ पे भी सबके सेंटर पीस से भी मिल चुका है एच पीस। अब यहाँ पे क्या करना है, प्लस कॉर्नर पीस मिलाना है, बस यही था कि एज प्लस बनाओ और कॉर्नर पीस मिलाओ, बस हो गया फर्स्ट लेयर सॉल्व। तो यहाँ पे क्या, वाइट ग्रीन ऑरेंज, तो पहले ढूंढेंगे वाइट ग्रीन ऑरेंज का जो एज कॉर्नर पीस है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे है वाइट ग्रीन ऑरेंज, तो इसको पहले इसके नीचे लाएंगे, वाइट ग्रीन ऑरेंज यहाँ पे है, देख सकते हैं वाइट ग्रीन, तो ये यहाँ पे है, तो इसको यहाँ पे लाएंगे पहले, यहाँ पे आ गया, और वाइट फ्रंट पे है, तो इसको अगर एक बार हम ऐसे करें तो ये मिल गया। अब इसको साइड में करके वापस मैं ऐसा करना है आप लोगों को कि जो दूसरा बनाए तो पहला बिगड़े ना, ये बिगड़ा नहीं, यहाँ पे हो गया। अब देख सकते हो ये मिल चुका है, एक
एक हो गया है, यहाँ पे और 3 लगाने हैं, तो और बताने वाला एक हो गया वाइट ब्लू ऑरेंज। तो वाइट ब्लू ऑरेंज कहाँ पे कॉर्नर पीस देखा जाए, वाइट ब्लू ऑरेंज यहाँ पे, वाइट ब्लू ऑरेंज तो इसको लाएंगे उसके नीचे जहाँ पे वाइट ब्लू ऑरेंज लगाना है, तो यहाँ पे इसके नीचे लगाना है, ये फ्रंट पे है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे वाइट ब्लू ऑरेंज, वाइट ब्लू ऑरेंज इसको यहाँ पे लगाना है। तो एक बार डाउन करेंगे ये यहाँ पे आ गया, अब इसको साइड में करके वापस से इसको बनाएंगे और हो गया। देखिए दो डॉट हो चुका है, अब तीसरा वाइट ब्लू रेड, वाइट ब्लू रेड करना है। तो यहाँ पे क्या है, वाइट ब्लू रेड यहीं पे है, बस उसको फ्लिप करना है, ऐसे फ्लिप हो गया। फिर सीटिंग भी करना है, यहाँ पे वापस आना है। तो पहले इस जो कॉर्नर पीस है इसको बाहर निकालेंगे, आर यू आर प्राइम, ये बाहर आ गया। तब इसको इसके नीचे लाएंगे और एक बार आपको मैं जो बता रहा हूँ वो अब मूव करना, जब आपका जो वाइट का वाइट का फेस है वो अगर राइट साइड में रहे तभी ये करना, आर यू प्राइम आर यू आर प्राइम। बस मैं फिर से बता देता हूँ एक बार, ये राइट साइड पे है, अब इसको यहाँ पे लाना है, तो आर यू आर प्राइम हो गया। 3 हम लोग हो चुका है, अब एक लास्ट बचा है, तो ये इसके ही नीचे है पहले से ही, तो ये राइट साइड में, तो मैंने क्या बोला था आर यू आर प्राइम, तो आर यू आर प्राइम देख सकते हैं पूरी तरह से आ चुका है। तो गाइस आप देख सकते हैं पूरी तरह से एक लेयर सॉल्व हो चुका है। आपको फिर से नहीं समझ आया तो आप वीडियो को रिवाइंड कर जरूर से जरूर देखना, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ पे प्लस बन चुका है और यहाँ पे सिर्फ कॉर्नर पीस लाना है, तो वाइट ब्लू रेड, वाइट वाइट ब्लू रेड ये राइट साइड पे है, मैंने बताया था राइट साइड पे होगा तो क्या क्या एल्गोरिथम यूज करना है, आर यू आर प्राइम, आर यू आर प्राइम हो गया। एक और करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा वाइट ग्रीन रेड, वाइट ग्रीन रेड कहाँ पे, वाइट ग्रीन रेड यहाँ पे, इसको इसके नीचे लाएंगे, ये ऊपर की तरफ फेस कर रहे हैं, तो इसको पहले राइट साइड पे करेंगे, इसका फेस राइट साइड पे हो गया, अब इसको यहाँ पे लाएंगे, तो ये राइट साइड पे है, तो मैं क्या बोला था आर यू आर प्राइम, ये पहले से ही राइट पे है, जिसको आर यू आर प्राइम हो गया। और इसको ये यहाँ पे था तो इसको यहाँ पे लाएंगे पहले, जहाँ पे डालना है यहाँ पे देख सकते हैं, और इसको ये राइट साइड में, तो आर यू आर प्राइम। गाइस ये देख सकते हैं हमारा पूरी तरह से फर्स्ट लेयर जो हो चुका है सॉल्व हो चुका है। गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में देखना हाउ टू सॉल्व सेकेंड लेयर, मैं जरूर जरूर जल्दी से जरूर डाल दूंगा वो वीडियो, आप देख सकते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर से जरूर देखना, ये फर्स्ट लेयर पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए गाइज, प्लीज़ कर देना। और ये अब सेकंड लेयर को सॉल्व करना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, जय हिंद जय भारत।